डिसलाइक बटन को दबाने के पहले 2 मिनट सुन लो। मैं यहाँ विराट कोहली क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, ना विराट कोहली कप्तान की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के टॉस की। क्योंकि विराट कोहली का टैलेंट भले ही लाखों में एक हो, पर विराट कोहली के टॉस हारने का टैलेंट वो शायद करोड़ों में एक है। ये मैं नहीं कहता, नंबर्स कहते हैं। विराट कोहली ने अपने करियर में कुल मिला के 209 मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से वो 123 मैचेस में टॉस हारे हैं, विन रेट 41.1% का। अब आपने शायद ये स्टैटिस्टिक पहले भी कहीं देखा होगा, बट ये नंबर इतना अजीब है, ये समझने के लिए इसको एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में डाल के देखते हैं। अगर हम आज तक के 20 से ज्यादा मैचेस खेले क्रिकेट कप्तानों को टॉस विन रेट के हिसाब से अरेंज करें, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक बेल कर्व। इसमें 95% तक सारे कप्तान आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे, पर विराट वो है यहाँ 1% से भी नीचे। अब आप में से कोई स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट होगा तो वो झट से बोल देगा 20 मैचेस का कट ऑफ ना बहुत कम है। तो ठीक है, 100 मैचेस का ले लो। कुल मिलाकर आज तक 44 प्लेयर्स ने 100 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से विराट आते हैं लास्ट, हाँ लास्ट नंबर पर। खास करके ये साल ऐसा लगता है शनि मंगल बुध शुक्र सब मिलकर भाई साहब के सिर पे बैठे हैं। वर्ल्ड कप की आखिरी मैच होने तक विराट ने पिछले 14 मैचेस में से 13 टॉस हारे थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 19 मैचेस में से 13 मैचेस हारे थे। बाकी दुनिया को तो छोड़ो, अपने इंडियन कैप्टन्स को ही ले लो। टॉप पर है राहुल द्रविड़, जिनका टॉस विन लॉस का रेशियो है 1.41, और फिर यहाँ ये है विराट कोहली। अब इस सब के बावजूद एक बात तो है, इतने सालों में कंसिस्टेंटली इतने टॉस हारने के बाद भी, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे साइड से खराब कंडीशंस का सामना करने के बावजूद, विराट कोहली के कप्तानी का एक्चुअल विन रेट सारे इंडियन कप्तानों में से सबसे ज्यादा है। तो मेरा बस एक ही कहना है, विराट कोहली को ओडीआई टेस्ट जिसका चाहे उसका कप्तान बनाओ, कोई इशू नहीं है। बस एक मेहरबानी कर दो, अब से टॉस करने राहुल द्रविड़ को भेजना, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, आज का ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से काफी छोटा है, पर जल्द ही किसी एक सीरीज की 1 ईयर एनिवर्सरी आ रही है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। कौन सी सीरीज है अगर आप समझ जाए तो कमेंट्स में लिख दे। तब तक आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।